भाई अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब फिट फाट होंगे। तो आज की वीडियो ज़रा डिफरेंट है, और ये डिफरेंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी जैसे मुल्क में अप्लाई करना चाह रहे हैं। आज की वीडियो ज़रा टाइम निकाल के देखना, पूरी देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन के बारे में है, तो सबसे पहले मैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दूं। तो आपके भाई साहब ने नर्स से केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, उसमें बैचलर्स किया है, और उसके बाद जर्मनी से मैंने मास्टर्स की डिग्री कम्प्लीट की है एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मज़े की बात ये कि अभी मैं यूनिवर्सिटी के बाहर ही बैठा हूँ, और ये मेरी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के अंदर जाके बातें करते हैं, धूप थोड़ी तेज है, चलो अंदर चलो। तो मास्टर्स की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका भाई एज अ फ्यूल सेल डेवलपमेंट और टेस्टिंग इंजीनियर काम कर रहा है। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ना, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे। इसके बारे में ज़रा डिटेल में जाके घर में बात करते हैं, सारे आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ कि भैया सीन क्या है। हाँ जी, तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको डिटेल प्रोसेस बताता हूँ कि सीन क्या। तो सबसे पहले जब आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि दो किस्म की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी का ये सीन है कि इसकी फ़ीस आलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। आपको पर सेमेस्टर 150 से 300 यूरो तक देने पड़ते हैं, ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अब दूसरे टाइप की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। इनकी एग्जांपल वैसी है जिस तरह पाकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो आपको ज़्यादा पैसे देके पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे भी सेम वैसा ही सीन है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ की पर सेमेस्टर की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी एक सीन है, यहाँ पे डिफरेंट सूबे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में सिंध पंजाब है, यहाँ पे भी डिफरेंट है। बादन वुर्टेनबर्ग हो गया, बायन हो गया, हेसन हो गया, तो डिफरेंट सूबे हैं। बाकी सब सूबों में आपकी सेमेस्टर फीस वही है जो मैंने मेंशन की है, लेकिन बादन वुर्टेनबर्ग जो कि मेरा सूबा है, यहाँ पे इन्होंने पिछले 2 सालों से सेमेस्टर फीस लगा दी, ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो अब आपने यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको 1500 यूरो इससे 2000 यूरो तक आपको फ़ीस पे करना पड़ती है, ठीक है। तो ये ना हो कि आप बादन में अप्लाई करो पब्लिक यूनिवर्सिटी में, बाद में आके आप मुझे बोलो कि यार आपने तो कहा था 150 से 300 होगी, ये तो 1500 है। तो ये केस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि बादन वुर्टेनबर्ग के सूबे में इन्होंने फ़ीस लगा दी। जिस ज़माने में मैं आया था आज से कोई 3.5-4 साल पहले, तब यही यूनिवर्सिटी 150 पर सेमेस्टर फ़ीस ले रही थी, लेकिन अब यही यूनिवर्सिटी 1500 यूरो पर सेमेस्टर आपको चार्ज करती। अगली बात आती है जर्मन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि होकशूले, जो कि एक जर्मन वर्ड है, ये कहते हैं हायर एजुकेशन डिग्री को। अब होकशूले के अंदर आगे इसकी 2 सब ब्रांचेज हैं। पहला हो जाता है फोक होकशूले, और दूसरी चीज़ हो जाती है आपकी यूनिवर्सिटेट, या फिर TU, मतलब टेक्नीशिय यूनिवर्सिटेट। अब फाक होकशूले में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार फाक होकशूले का क्या सीन है, क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा था मुझे भी नहीं पता। फाक होकशूले आपका मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स होता है, तो इसके अंदर आपकी इंटर्नशिप्स भी आ जाती हैं, ज़्यादा ये इंडस्ट्री से आपको लिंक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आती है यूनिवर्सिटेट या टेक्नीशिय यूनिवर्सिटेट, मतलब TU की। इन यूनिवर्सिटीज़ का ये सीन होता है कि इनका कोर्स ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। तो इन फ्यूचर अगर आपके मास्टर्स के बाद PhD के प्लान हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप यूनिवर्सिटेट या TU में जाकर पढ़ें, क्योंकि अगर आगे आपने PhD के लिए अप्लाई करना है, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स में जाने का आपको ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो एम इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है फाक होकशूले से, और मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री आपको मिलती है यूनिवर्सिटेट या टेक्नीशिय यूनिवर्सिटेट से। चलिए अगली चीज़ पर बात करते हैं कि आपको पता लग गया आपने फाक होकशूले में जाना है या यूनिवर्सिटेट में जाना है। अगली चीज़ आ जाती है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी कहाँ से हैं, जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ आपको कहाँ पे मिले। तो जो चीज़ मैंने की थी जब मैं जर्मनी में अप्लाई कर रहा था, एक वेबसाइट है dad.de के नाम, इस वेबसाइट पे आप जाएं और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो दे देता हूँ कि आप किस तरह यहाँ पे जाके अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कोर्स सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करेंगे दाद की वेबसाइट खोलेंगे। तो सबसे पहले आप इसे जाके कन्वर्ट कर लें डॉइच से इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए आई गेस कन्वीनियंट यही रहेगा। इसके बाद सीन ये है कि आपने यहाँ पे जाना है स्टडी प्रोग्राम्स इन जर्मनी। यहाँ पे अब जिस कोर्स में आपने अप्लाई करना है वो कुछ भी हो सकता है, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो एक कीवर्ड होता है, वो कीवर्ड आप डालेंगे तो वही नहीं कि वही कीवर्ड्स खाली शो करेगा, बल्कि उससे रिलेटेड सारे कोर्सेज ये आपको शो कर देगा। जिस तरह मैंने एनर्जी में पढ़ाई की हुई है और मैंने भी सर्च यहीं से किया था,
तो मैंने एनर्जी का वर्ड डाला था, और एनर्जी रिलेटेड आपके कौन सा कोर्स आपने चूज़ करना है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था तो मास्टर्स का कोर्स चूज़ किया था, फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग या नेचुरल साइंसेस, मेरी नेचुरल साइंसेस थी तो फील्ड ऑफ स्टडी भी आप चूज़ कर सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड ऑफ स्टडीज़ लेनी है, नेचुरल साइंसेज लेनी है, डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडीज़ आ जाएंगी यहाँ पे। और उसके बाद सब्जेक्ट एरिया इंजीनियरिंग इन जनरल या कोई स्पेसिफिक आपकी डिमांड है तो वो आप यहाँ से देख के वो भी चूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप कोर्स लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, कोर्स की लैंग्वेज जर्मन में है या इंग्लिश में है। अगर तो आपने वो कोर्स उठाना है जो जर्मन लैंग्वेज में है तो उसके लिए आपको जर्मन का नॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बे आइंस से आइंस, तो वो डिपेंड करता है वो किस लेवल की जर्मन आपसे चाह रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से या इंडिया से या इस टाइप के मुल्कों से जो लोग आते हैं वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम प्रायर एजुकेशन जो होती है वो सारी इंग्लिश में होती है। इसलिए आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स चूज़ कर लें, और जिस तरह आप फ़िल्टर ऐड करते जाएंगे उस हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे अरेंज होती जाएंगी। जी, अब तक आपको पता लग गया होगा कि यूनिवर्सिटी आपने सर्च कैसे करनी है। सही है, फिट है, यहाँ तक समझ आ गई है। सांस ले लूँ मैं थोड़ा, एक सेकेंड, पानी पी लिया, गला खुश्क हो रहा है, सब्र करो। ओह शिट, पाँव भी सुन हो गया, रुके एक सेकेंड, मैं वॉक करके आता हूँ। 1 hour later। हाँ जी, सही है, दोबारा एक्टिव हो गया भाई। तो अगला स्टेप होगा कि आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। इस चीज़ को जहन में रखें कि जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो एक यूनिवर्सिटी आपसे डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट मंगवा लेगी। जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी जो ओल्म यूनिवर्सिटी है वो आपसे डायरेक्ट कहेगी कि हमें एप्लीकेशन भेजो, हम आपके एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने एडमिशन दिया है या नहीं दिया। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली नहीं मंगवाती। अब वो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपको कहती है कि हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन सेंड ना करो, आप एप्लीकेशन सेंड करो यूनी असिस्ट के थ्रू। अब यूनी असिस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स लेगी, बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद वो उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देखेंगी। अब उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स अगर तो मैच कर जाती हैं जो आपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट भिजवाए हैं उनसे, तो यूनी असिस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है, यूनी असिस्ट आपको एडमिशन ही देगी, एडमिशन देना या ना देना ये उस यूनिवर्सिटी का काम है। तो यूनी असिस्ट आपके एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट लेगी, उसे देखेगी, सही है, फिट है, ओके करके आगे यूनिवर्सिटी को भेज देगी। इस तरह से यूनिवर्सिटी को ये फ़ायदा हो जाता है कि उनके पास वो एप्लीकेशन आती हैं जो उस मेयार पे उनके पूरा उतरती है। और यूनी असिस्ट के अंडर जर्मन की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, लाइक 65-70% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनी असिस्ट के थ्रू ही आपके एप्लीकेशंस लेंगी, डायरेक्ट नहीं लेंगी। अब यूनी असिस्ट हमारे चाचे की तो है नहीं, तो जब आप पहली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे यूनी असिस्ट के थ्रू तो यूनी असिस्ट आपको 75 यूरो चार्ज करेगी पहली यूनिवर्सिटी के। अगर आप यूनी असिस्ट के थ्रू और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो तो वो फिर 30 यूरो ईच आपका बढ़ता जाएगा। सपोज आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, पहली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने पे उसने आपसे लिए 75 यूरो, अब जो अगली यूनिवर्सिटी होगी दूसरी यूनिवर्सिटी उसमें 30 यूरो आप और पे करेंगे, उसी में भी आपकी एप्लीकेशन सेंड कर देगी। इसी तरह अप टू 5 तक आपको 30 यूरो ईच देते जाओ और वो करती रहेगी। और अप टू 5 तक नहीं, आप अनलिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, बस आप पैसे देते रहो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा जी, तो अगली बात आती है आपकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स पे। 75-80% यूनिवर्सिटीज़ में आपकी जनरल यही एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो ये ज़रा ध्यान से सुन लेना कि क्या क्या चाहिए होता है। पहली चीज़ जो यूनिवर्सिटी देखती है, ऑफ कोर्स आपके ग्रेड्स देखेगी, मतलब जो आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होगी, ट्रांसक्रिप्ट पे आपके ईच कोर्स के ग्रेड मेंशन होते हैं, डिग्री पे ओवरऑल रिजल्ट मेंशन होता है। अब ग्रेड्स के मुताबिक काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि यार मेरा 3 GPA से कम GPA, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, 3 से ऊपर है होगा कि नहीं होगा। तो भाई ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये यूनिवर्सिटी आपको बताएगी। डिफरेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, किसी की 75-85% होती है, किसी की 60-65% होती है, तो ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपके ग्रेड्स कम हैं, और मोस्ट जर्मन यूनिवर्सिटी अगर आपका 3 या 3+ ग्रेड है ना, तो आपके चांसेस होते हैं कि हो जाना चाहिए। अगर 3 से नीचे है तो भाई टेंशन ना लें, और भी यूरोप के बहुत कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्पेन, इटली, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप वहाँ भी सर्च कर सकते हैं इन केस अगर आपका जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, क्योंकि मोस्ट जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड थोड़ा 3-3+ टाइप सीन होती है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका 3 से नीचे GPA है, तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो भैया दिल छोटा नहीं करना। अगली चीज़ आ जाती है आपकी लेटर ऑफ मोटिवेशन, और ये आपकी एप्लीकेशन का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है।
क्योंकि इसमें वो आपकी मोटिवेशन जानना चाह रहे होते हैं कि भैया आपने ये कोर्स पढ़ना क्यों है, अगर आपने ये कोर्स में आना है आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप इस कोर्स को हासिल करके बाद में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी, आप इस कोर्स से क्या सीख के आगे क्या करना चाह रहे हो, आप क्यों मोटिवेटेड हो ये कोर्स करने के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इस चीज़ पर काफ़ी फोकस करके लिखना। तीसरे स्टेप पर चलते हैं, तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी आ जाती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लिखवा सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3 से 4 प्रोफेसर से लिखवा लें, और उन प्रोफेसर से लिखवाएं जिनके पास एटलीस्ट PhD की डिग्री है और वो एकेडमिक लिहाज से उनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उन टीचर्स के पास जाना जिसमें तुम्हारी रेपुटेशन फिट है, ऐसे टीचर के पास ना चले जाना सारी क्लासेस फूटते रहे और बाद में आके कह रहे हो उसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख दें तो वो सही नहीं लिखेगा। ये जिससे सही बन रही है ना, जिस टीचर से फिट किस्म का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवा रहे ना उससे, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बाद आपकी चीज़ आती है लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे IELTS और TOEFL की रिक्वायरमेंट करेगी, ये भी यूनिवर्सिटी के हिसाब से वेरी करता है, कुछ की 6.0 रिक्वायरमेंट होती है, कुछ की 6.5 एंड अबव होती है। TOEFL में आपका 71 to 81 तक एवरेज स्कोर है, इससे ऊपर हो तो अच्छा है, ना भी हो तो ठीक है, मतलब ये सही है चल जाएगा। एक और चीज़ के कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिन्होंने मेंशन किया होता है कि अगर आपका कोर्स इंग्लिश में था, यूनिवर्सिटी से हमें कोई ऐसा लेटर दे दें जिससे हमें पता लग जाए कि भाई आपका कोर्स इंग्लिश में था, जब वो लेटर आप उस यूनिवर्सिटी को देंगे तो फिर वो आपसे IELTS या TOEFL नहीं मांगे। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है और आप यूनिवर्सिटी से लेटर लेके अगली यूनिवर्सिटी को दे देते हैं जो कि एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ ठीक है वो लेटर हम मान लेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कहती हैं वी डोंट केयर कि आपका इंग्लिश में था या नहीं था, हमें IELTS या TOEFL में से कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कितनी काम की बातें बता रहे यार भाई, मतलब हमें काश कोई हमें बताता ऐसी बातें, तो पता ही नहीं था, मूड आगे आ गए थे यहाँ पे। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी ऐड कर लो, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज गुड। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो भाई ये लाजमी ऐड करो, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस भी काफ़ी मैटर करता है। अगर आपका GPA बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आपके पास 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो यूनिवर्सिटी को ये होता है कि यार बॉय फिट है, बॉय के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, इन्वायरमेंट इसने देखी हुई है इंडस्ट्री की भी, तो एक कोर्स को ज़्यादा अच्छी तरह और ज़्यादा प्रैक्टिकली समझ पाएगा। भाई ये वीडियो थी आज की, होपफुली आपको काफ़ी चीज़ों का एक जनरल आइडिया हो गया होगा। और मुझे पता है अभी भी आप लोगों के बहुत से सवाल आने वाले हैं और बहुत से सवाल होंगे आपके जहनों में, तो भाई जो जो सवाल है ना वो कमेंट में डाल दो, क्योंकि मैं कमेंट रीड करता हूँ, मैं एक एक कमेंट रीड करूँगा, उस पर रिसर्च करूँगा, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं किसी दोस्त से पूछ लूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक करना, लाइक करने से मुझे ये पता लगेगा कि भैया ये वीडियो काम की है और लोगों के काम आ रही है, ताकि मैं ऐसे टॉपिक्स पर और ज़्यादा वीडियो आगे बनाता रहूँ। और बाकी डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस पर आगे काफ़ी टॉपिक्स ऐसे आने वाले हैं जो होपफुली आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगले व्लॉग में मिलते हैं, फिर दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज़। Thank you.